कल आपका इन्होंने इंटरव्यू किया था, चला भी है, 5 मिनट चला। किस कार्यक्रम के तहत यहाँ आना हुआ? ऑफिस का इफ्तिताह था भैया, जनसंपर्क कार्यालय विधानसभा शाहगंज का, उसी के इफ्तिताह के लिए आया था मैं। 2022 के लिए एमआईएम की क्या तैयारी है? 2022 में उत्तर प्रदेश में 100 सीटों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है। 5 सालों से मैं उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइजेशन का काम कर रहा हूं, और उन 100 सीटों पर जिसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है उस पर लगभग हमारा 70% बूथ तक काम कम्प्लीट हो चुका है, और हमारे पास अब तक 150 कैंडिडेट के आवेदन भी आ चुके हैं, जिसमें तमाम समाज के लोग हैं, तमाम बिरादरी के लोग हैं। हम मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में 22 का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अबू आसिम आज़मी का एक बयान है कि जिसे अपना लीडर मुसलमान चाहिए वो पाकिस्तान चला। मुसलमानों को पाकिस्तान जाना होता तो 1947 में मुसलमान पाकिस्तान चला गया होता, लेकिन मुसलमान कभी पाकिस्तान नहीं जाएगा। यही बात भाजपा के लोग कहते हैं कि जिसे नरेंद्र मोदी से नफरत है वो पाकिस्तान चला जाए, और वही बात अबू आसिम आज़मी ने कहा है कि जो समाजवादी कोर्ट नहीं डालेगा वो पाकिस्तान चला जाए। हम पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे, और अपनी क़यादत को खड़ा करके दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में इंशाअल्लाह ताला। अबू आसिम साहब अपने बारे में सोचें, उन्होंने उस शिवसेना से अलायंस किया है महाराष्ट्र के अंदर, जिस शिवसेना के चीफ मिनिस्टर ने वहाँ की विधानसभा में खड़े होकर के कहा कि हमें फ़ख्र है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है। तो अबू आसिम आज़मी साहब को ये सोचना चाहिए और उनको ये बताना पड़ेगा कि किस बुनियाद पर आपने शिवसेना से अलायंस किया है, आप बताइए। उत्तर प्रदेश में असेंबली इंतखाबात से कबल पीस पार्टी के और उलमा काउंसिल ने एक गठबंधन बनाया है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस, अगर उससे आपको दावत मिलती है तो क्या रद्द अमल होगा? देखिए, मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और ये आप राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिस पार्टी का आपने नाम लिया उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो दोनों लोग हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर लें, ऊपर जो तय कर होगा हम उसको मानेंगे। असदुद्दीन ओवैसी इधर कई बार शिवपाल यादव से मुलाकात कर चुके हैं, क्या गठबंधन में शिवपाल यादव से ओवैसी साहब की 4 मरतबा मुलाकात हुई है, हो सकता है कि 1 या 2 मुलाकात आप लोगों को मालूम हो, और वो मुलाकात मैंने करवाई है, और नेताओं की शिष्टाचार मुलाकात होते रहती है, और यकीनन जब नेता बैठते हैं तो उसमें बात कहीं ना कहीं सियासत की ही होती है। तो अब देखते हैं, अभी दोबारा बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला एक और बैठक होने वाली है इन नेताओं की, हम लोग उसमें तय करेंगे आगे क्या करना है। क्या 2022 में भाजपा को हराने की ताकत है या एमआईएम? ताकत किसके पास है वो मुझे बता दीजिए। 2019 के इलेक्शन में सपा बसपा का अलायंस बीजेपी को क्यों नहीं रोक पाया? एमआईएम तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ी थी, 60 से ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी क्यों जीत गई? हमने और बल्कि मुसलमानों ने 72% वोट समाजवादी और बहुजन समाज के गठबंधन को डाला था। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोटों से बीजेपी को नहीं रोका जा सकता, और मुस्लिम वोट किसी का भी किसी कभी ये वोट बैंक रहा ही नहीं, मुसलमान वोट बैंक, और बीजेपी को मुस्लिम वोटों की ज़रूरत भी नहीं है। तो मुसलमान क्यों ना अपने सियासी प्लेटफॉर्म को मजबूत करे और बीजेपी से मुकाबला करे? समाजवादी बहुजन समाज का वोटर तो बीजेपी के साथ चला गया ना, तो मुस्लिम वोटों से किस तरीके से आप बीजेपी को रोक पाए क्या? 72% मुसलमानों ने वोट डाला ना, तो समाजवादी को ये सोचना पड़ेगा कि उसका वोटर कहाँ है। मुसलमान तो हमेशा बीजेपी के खिलाफ ही वोट डाला है, बीजेपी को कभी वोट नहीं डाला मुसलमानों ने।